गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज हो रही है 9:42, ऑलमोस्ट 9:45 इन द मॉर्निंग। और ये देखो हमारी चल रही है कल वाली वीडियो जो कि आज सुबह 8:30 रिलीज हो गई थी। ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो रही है और आज संडे का दिन है और सरप्राइजिंगली आज हमारी वो गुरुद्वारा की हाजिरी नहीं थी क्योंकि वहां रखा हुआ है अखंड पाठ। हमारी जो गुरुद्वारा की हाजिरी होने वाली है वो होने वाली है कल, होला मोहल्ला मनाया जाना है जिसके लिए कल गुरुद्वारा में हमारा टाइम रहेगा 8:30 to 8:55 पे। तो हमारा आज संडे की बजाय वो प्रोग्राम हो गया है मंडे पे शिफ्ट। तो कल सुबह जो कल वाली वीडियो होगी आपको गुरुद्वारा से भी हम गुरमत विचार और शब्द विचार करते हुए नजर आ जाएंगे। राइट, सो फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है और फिर सब कुछ करने के बाद जब भी होते हैं तैयार फिर मिलते हैं हम। दही एज यूजुअल एज डेली, और आप देख रहे हो मैंने आपको कहा था तैयार होकर मिलेंगे, तैयार हो ही नहीं पाया। जब आप कामों में उलझते हो ना तो कामों में उलझते ही रह जाते हो। अब टाइम जो अभी हो गया है 12:11 हो गए हैं, तो एक काम करते हैं जल्दी से दही खा लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं रेडी होके। पहुंच गए हैं यहाँ पे, आज भाई साहब को भी बुला लिया संडे वाले दिन, चंदन भाई, ये ललित भाई, ये छुप रहे थे, देखो ये छुपते रहते हैं। राइट, सो मीटिंग के लिए यहाँ बुलाया था, कमिटमेंट किया है, पूरा कर रहे हैं। ये देखो ये कौन सा कमिटमेंट, बोल तो दोबारा, वो 100 रुपए की बात करी, 200 करोड़ खुल के बोलो यार, आपने कौन सा इलेक्टोरल बोर्ड दिया है, ठीक बात है ना, अच्छी बात है ना, हीरो बन जाओगे आप। चलो मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। जगह चेंज हो गई, टीम वही है, देखो देखो सीटिंग भी वैसे ही ऑलमोस्ट आ गया है और जगह चेंज हो गई और अपने मीटिंग स्पॉट हीरा स्वीट पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे मीटिंग करेंगे और फिर मिलते हैं। और ये देखो जी फ्लैग लहरा रहा है, इसका मतलब आज इसको हवा पूरी मिल रही है और ऊपर भी सूरज और बादल के बीच में मुकाबला चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले छींटे पड़ी थी पर वो प्रॉपर बारिश नहीं हुई। चलो देखते हैं क्या माहौल रहता है, अभी तो हवा है। और हमने भी निपटा लिए हैं अभी तक के अपने जो बाहर के काम थे, जितने भी मतलब काम थे। और टाइम हो गया है 4:19 ऑलरेडी, 4:15 ऑलमोस्ट द इवनिंग, घर की तरफ चल रहे हैं। और रास्ते में देखते हैं अगर आपको दिखाने के लायक एक चीज़ है, जो हम वो बता रहे थे ना कि लकड़ियों का ढेर जिसको कि आज दहन कर दिया जाएगा होलिका दहन पे शाम को, वो देखते हैं वहाँ पे शायद कुछ दिखाने लायक चीज़ है, तो वहीं चलते हैं सीधा। ये देखिए वो जो ढेर लगा रखा था ना, अभी उसका पूजन चल रहा है और ज़्यादातर लेडीज जो हैं वो पूजा कर रही हैं, ये देखो। और मैंने पता किया तो वो बता रहे हैं कि रात को 10 के बाद ये होलिका दहन करते हैं, तो देखते हैं कितने बजे का, रात को बता रहे हैं कि 10 के बाद ये होलिका दहन का कार्यक्रम रहता है, तो देखते हैं कितने बजे का होगा, फिर देखते हैं दिखा पाएंगे तो। हाँ जी, हो गया रेस्ट जो भी हो सकता था और ये आ गई है अपनी चाय, रेडी है यहाँ पे और हम पीने लगे हैं चाय और साथ में खाएंगे थोड़े से कुकीज, रिफ्रेश होके फिर यहां से निकलते हैं और गेड़ी पे चलते हैं। एक आधा काम भी है वो भी निपटाएंगे और कुछ एक दो लोगों को मिलना है उनको भी मिल लेते हैं और देखते हैं गेड़ी के दौरान और क्या क्या होता है। राइट, सो आप साथ में हो, साथ में बने रहो, देखते रहो हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं अपनी गेड़ी पे। चलो जी, हो गए हैं रेडी, मतलब रेडी तो पहले ही थे, निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। चाय वाय के बाद थोड़ा सा जो काम वाम था वो भी निपट गया है और अब चल रहे हैं बाहर गेड़ी के लिए। टाइम हो गया है पूरे 7:06, 6:07 इन द इवनिंग, और बाहर चल के देखते हैं हालात क्या हैं और देखते हैं कहां कहां पर आज होलिका दहन का प्रोग्राम होने वाला है। कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, मैं पक्का प्रॉमिस नहीं कर रहा, बाहर अगर कहीं
अभी हमें रास्ते में कहीं नजर आ गया तो डेफिनेटली दिखाएंगे, नहीं तो फिर बाकी देखते हैं क्या होता है। लो जी निकल गए हैं और लाइट्स आज भी ये देखो बंद पड़ी हैं ऊपर वाली। रोड पे पूरा अंधेरा, मतलब इतना भी नहीं पर जितनी लाइटिंग थी पहले, ये देखो ये वाली लाइट भी बंद पड़ी है, ये देखो बंद है। तो इधर भी जो लाइट्स हैं कहीं कहीं जल रही हैं और रोड पे ट्रैफिक ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक सही है। संडे का दिन है और वैसे भी होली का दिन है, होलिका दहन वाला, तो बहुत सारे ऑफिसेज में बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें वगैरह भी कई जगह पे शायद ऑफ रखा होगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम है। और मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो गई है कल परसों के मुकाबले, मतलब रोज़ के मुकाबले, क्योंकि शाम को जो बारिश की हल्की हल्की छींटें पड़ गई थी। वैसे तो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हवाएं चल रही हैं, पर शाम को जो थोड़ी बहुत छींटें पड़ गई थी उसकी वजह से शायद मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो गया। चलो निकल रहे हैं गेड़ी पे, आगे आगे देखते हैं क्या क्या है। ये आज अंदर वाली रोड पे भी ट्रैफिक हल्का ही है और उस तरफ से भी रोज जैसे देखते हैं ना कि भर भर के ट्रैफिक आ रहा होता है, उतना नहीं आ रहा उधर से भी। चलो बाकी मैंने आपको दिन के टाइम में भी दिखा दिया था यहाँ पे, ये तैयारी पूरी है और पूजा भी हो चुकी है, अब और ज़्यादा पूजा नहीं हो रही, बस ये देखो पूजा करी हुई है लोगों ने और अब जलाने का टाइम है पास में। ये देखो जी हमारा छोटा भाई मनप्रीत सिंह, आज पता है इसने मेरे साथ क्या करा है। आज हम आ गए हैं इसकी, ये देखो बजाज चेतक बिजली वाली बैटरी वाली गाड़ी, ये देखो। और मेरे को ये चला के ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी थंडरबर्ड से बहुत ज्यादा पिकअप है इसका, बड़ी मुश्किल से चला पा रहा था यार मैं इसको। तू कितना चला लेना यार, आदत पै गई है भाई साहब, क्या पिकअप है इसका। और ऑन रोड बता रहा है कितने की, 1.5 लाख की, 1.5 लाख रुपए का स्कूटर है। अभी आपको ना फ्रंट कैमरे से इसके विजुअल्स दिखाऊंगा, जहाँ खड़ी करता हूँ ना जाके। तिलक नगर जा रहे हैं और चाय पीने के लिए ले आया भाई, कहता चाय पी के आते हैं और वहीं खड़ी करके आपको विजुअल्स दिखाता हूँ इसके। मस्त पिकअप वाली गाड़ी है और ये है वो बजाज चेतक का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आज हम चला के लाए हैं। देखो एक तो थंडरबर्ड के बदले, हमारे जॉर्ज के बदले बहुत छोटा सा भी है और इलेक्ट्रिक भी है, पर इसकी यार पिकअप बहुत तेज है, मेरे को तो तेज लगी, पता नहीं बाकी जो चलाते हैं उनको कैसी लगती है। ये देखो दिन में नहीं आते तो शाम को आते हैं, यह भाई जी चाय बनाएंगे, बहुत बढ़िया, यह मस्त शुरू हो गया काम और शाम की चाय पियेंगे आज। और मनप्रीत कहता है जी अकेला चाय थोड़ी पियेंगे, देखो ये ब्रेड पकौड़ा ले आया है और हम मिलके यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं अभी है, उसके बाद पियेंगे फिर चाय। ये लो जी ब्रेड पकौड़े के बाद अब असली काम हो रहा है, चाय पी रहे हैं दोनों भाई। चीयर्स, मजे से। राइट तो चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं इसके साथ इसके इलेक्ट्रिक स्कूटर पे ही और फिर वहां से उठाएंगे जॉर्ज और फिर चलेंगे घर की तरफ। ये देखो जी इतने दिनों से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि कैसे वो लकड़ियों का ढेर रखा गया था जिसको होलिका के शक्ल में आज ये होलिका दहन कर दिया गया है। सो टाइम मुझे थोड़ा सा गलत कन्वे हो गया था, इन लोगों ने बताया था कि 10 बजे के बाद, पर ये अभी जो टाइम हुआ है 9:21 हुए हैं और ये होलिका दहन मेरे आने से पहले ही जो कर दिया गया है। अभी भी लोग देखो ये पूजा कर रहे हैं इसके अंदर ना, अपना उनका कल्चर है, अपना विश्वास है, तो उसी हिसाब से ये जो बहुत दिन से यहाँ मैं आपको दिखा रहा था वो लकड़ियाँ सब इकट्ठी की गई थी, तो आज फाइनली होलिका दहन हो गया है जी। वहाँ जहाँ पे होलिका दहन हो रहा था ना यार, वहाँ पे आग की ताप इतनी तेज थी, हालांकि मैं तकरीबन 20 फुट के करीब कम से कम मैं दूर, और ज़्यादा शायद 30 फुट के करीब दूर खड़ा था, पर वहाँ पे जो आग की लपटों के कारण ना एकदम से गर्म, वहाँ पे एकदम गर्मी हो चुकी थी। चलो इसके साथ साथ अपनी गेड़ी भी ख़त्म होती है तो घर चलते हैं और रास्ते में से कुछ थोड़ा बहुत खाने को ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ हल्का सा खाने को लेंगे क्योंकि अभी वहाँ वो ब्रेड पकौड़ा भी खा लिया था तिलक नगर जब गए थे मनप्रीत के साथ, चाय पी ली थी, तो बस अब कुछ खाने को लेते हैं और घर चलते हैं और घर चल के करते हैं, घर चल के अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। पहुंच गए हैं जी घर पे और खाने के लिए कुछ थोड़ा सा सामान ले आए हैं
और खा लेते हैं, हल्का फुल्का ही कुछ लाए हैं। राइट, सो टाइम अभी हो गया है 9:35 ऑलरेडी, 9:30। आज फिर थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं। तो बाहर से कुछ आवाज आ रही थी तो मैंने कहा पता नहीं काहे की आवाज आ रही है, वो मोटरसाइकिल वाला थोड़ा रेव कर रहा है और वो अजीब सी आवाज आ रही थी। एनीवेज, वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं। यहां तक अगर देख ली है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। अगर कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर आप डेफिनेटली आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपने सजेशंस, अपनी भड़ास, सब कुछ निकाल सकते हो। राइट, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।